विवेकानंद चिकित्सा एवं शोध न्यास पालमपुर की नई पहल नागरिक आश्रय विश्रांति का भूमि पूजन विवेकानंद चिकित्सा एवं शोध न्यास के अध्यक्ष शांता कुमार ने किया। विश्रांति का निर्माण 11 करोड़ की लागत से किया जाएगा, जिसमें सभी सुविधाओं का समावेश किया जाएगा। विवेकानंद एवं शोध न्यास द्वारा विश्रांति को जो खाका तैयार किया गया है, उसके अनुसार नागरिक आश्रय निवास में पुस्तकालय वचनालय जैसी सुविधाओं के अतिरिक्त 24 घंटे चिकित्सा सुविधा योग तथा प्रेक्षा गृह की सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। यही नहीं, विश्रांति में मंदिर का निर्माण भी किया जाएगा, ताकि लोगों को आध्यात्मिक आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। बड़े नगरों की तर्ज पर निर्मित किए जा रहे विश्व शांति के लिए 7.47 करोड़ की धनराशि तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत उपलब्ध करवाई गई है, जबकि शेष धनराशि कायाकल्प द्वारा उपलब्ध करवाई जाएगी। विश्रांति में पे एंड स्टे की सुविधा के साथ साथ अति निर्धनों के लिए निःशुल्क ठहरने की व्यवस्था भी की जाएगी। वहीं इसमें 100 लोगों के ठहरने की व्यवस्था होगी। ट्रस्ट के अध्यक्ष शांता कुमार ने कहा कि विवेकानंद चिकित्सा एवं शोध न्यास की दो संस्थाएं सफलतापूर्वक चलना प्रारंभ हो गई हैं। उसके बाद ट्रस्ट ने विचार किया कि यहां पर वरिष्ठ नागरिक निवास विश्रांति के नाम से भी बनाया जाए, जिसका भूमि पूजन किया गया तथा इसका शिलान्यास लोकसभा चुनावों के बाद किया जाएगा। वहीं चुनाव लड़ने के प्रश्न पर शांता कुमार ने कहा कि पार्टी मुझे जो भी आदेश देगी वे मुझे मंजूर होगा। कहा, 75 तो क्या, मैं 85 साल का युवा हूं तथा टिकट की कभी भी दौड़ नहीं की, ना कभी टिकट पार्टी से मांगा। जो आदेश देगी, जिस भी मोर्चे पर खड़ा करने को कहेगी, वे उन्हें मंजूर होगा तथा देश में भाजपा की सरकार बने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें जो भी जिम्मेदारी देंगे उसके लिए वे तैयार हैं। वहीं कांगड़ा की कांग्रेस की रैली पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस को भी रैली करने का अधिकार है तथा राहुल गांधी आए थे, उनका स्वागत है, उनके भाषण पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। भाजपा अपने आदर्शों पर वोट मांग रही है, कांग्रेस अपनी बात कर रही है। उनकी रैली कैसी हुई ये लोगों को पता है और वे सब जानते हैं। दो संस्थाएं सफलतापूर्वक चलनी प्रारंभ हो गई तो उसके बाद ट्रस्ट से विचार किया कि प्रभु की कृपा है, लोगों ने सहयोग दिया है, हम यहाँ कुछ और करें। और फिर मन में आया कि एक सीनियर सिटीजन होम विश्रांति के नाम से बनाएं, ये विचार आया और उस विचार को मूर्त रूप देने के लिए ONGC की तरफ से हमको सहयोग मिला। आज हमने केवल भूमि पूजन किया है, हम शिलान्यास करेंगे चुनाव के बाद। सर, आज सुबह से टीवी में आ रहा था, राजनीति यहाँ मत करिए, बाद में करिए, नहीं पहले इस बारे पूछ लीजिए फिर उस बारे। आप फिर ये तो हो ही गया जी, आपने पूरा बता दिया। कल से ये सुगुगाहट थी कि जो 75 वर्ष से अधिक आयु के हैं, भाजपा के सीनियर नेता हैं, उनको चुनाव में लड़ना है या नहीं लड़ना है। कल से ये बात चल रही है कि शांता कुमार जी, आडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी जी को चुनाव मैदान में उतारा जाएगा, किस तरह से देखते हैं आप इस सारे सिनेरियो को? देखिए, 75 नहीं, मैं तो भगवान की कृपा से 85 चल रहा हूँ। और मुझे इस बारे में इतना ही कहना कि मैंने इस बार पार्टी में कहा था, क्योंकि बहुत चुनाव लड़ ली है, आधी सदी होगी चुनाव लड़ते लड़ते। और आपको शायद पता होगा, आदरणीय नितिन गडकरी जी आए थे तो जब उन्होंने कहा कि मैं जब स्कूल कॉलेज में पढ़ता था तब शांता कुमार मुख्यमंत्री थे, तो मुझे लगा बहुत दिन हो गए। तो मैं अब चुनाव की राजनीति से अलग होकर जो सेवा का काम कर रहा हूँ उसमें अधिक समय लगाना चाहता था। तो कहा मैंने पार्टी को यही है कि मेरी इच्छा है कोई और नौजवान चुनाव लड़े। इस बार चुनाव लड़ने की बजाय चुनाव लड़ाने का मैं काम करूं। लेकिन फिर मुझे कहा गया कि आप इस बारे में कुछ मत कहिए, तो मैं कुछ नहीं कह रहा हूं। पार्टी जो निर्णय करेगी, पार्टी कार्यकर्ता के रूप में उस निर्णय को हम सब स्वीकार करते हैं। पार्टी के आप आडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी संस्थापक सदस्यों में से माने जाते हैं, आप ये भी कहते रहे कि आपने अभी तक टिकट कभी नहीं मांगा, पार्टी ने टिकट दिया, पार्टी टिकट देगी तो निश्चित रूप से आपका चुनाव में उतरना। मैंने कहा ना, पार्टी को निर्णय करेगी, टिकटार्थी तो मैं कभी रहा नहीं, टिकट कभी मांगा नहीं, इस बार भी मैं टिकट नहीं मांग रहा, मैं उस लाइन में नहीं हूँ।
लेकिन पार्टी का जो भी आदेश होगा उसको हम सब स्वीकार करते हैं। आपका क्या मन करता है, लड़ा जाएगा या नहीं लड़ा जाएगा? आपकी तरफ से आपका मन क्या कहता है? मैंने कहा कि मेरा जो मन करता है उन्हें बता दिया, लेकिन मेरा मन ये भी है कि हर हालत में सरकार बने, श्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने। मैंने कहा उसके लिए आपको मुझे जिस मोर्चे पर खड़ा करना है, मैं 85 वर्ष का नौजवान हूँ, मुझे जहाँ चाहो खड़ा कर। बहुत खूबसूरत। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रैली के बाद कहते हैं कि भाजपा जो है कांग्रेस की रैली को देखने के बाद जो बुखलास सी गई है, किस तरह देखते हैं? देखिए, मैं राजनीति इस प्रकार की राजनीति नहीं करता। उनको भी रैली करने का अधिकार था और राहुल गांधी आए, मैं उनका स्वागत करता हूं। मेरे ज़िला में वो आए, उन्होंने भाषण दिया। उनके भाषण पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैं तो इतनी बात कहना चाहता हूं, हम अपने आदर्शों पर वोट मांग रहे हैं, वो अपनी बात कर रहे हैं। उनकी रैली कैसी हुई ये लोगों को पता है, लोग जानते हैं। लेकिन उनकी इस किस्म से जितनी मर्जी रैलियाँ हों, उन रैलियों से भाजपा के बौखलाने का कोई सवाल नहीं। एस टुडे के लिए धर्मशाला से निर्जित निपी की रिपोर्ट।